बड़ी खबर आपको दें कि नहीं होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर। सीडब्ल्यूसी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है, नहीं होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। सीडब्ल्यूसी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है, क्योंकि इसी को लेकर संशय बरकरार था। सुबह जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी, उस समय ये कहा भी गया था कि ये अभी डिसाइड नहीं है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा या फिर नहीं होगा या फिर मनोनीत किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि सीडब्ल्यूसी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये फैसला हुआ है, क्योंकि सुबह ही कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक भी हुई है और उसके बाद ये बेहद अहम फैसला लिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त। आदित्य नागर दिल्ली न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिति, क्योंकि इसी को लेकर संशय था कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा या फिर नहीं या फिर मनोनीत किया जाएगा, अब ये जानकारी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए इस तरह की खबर आ रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। हालांकि आपको बताएं कि जो ये पूरी प्रक्रिया हुई थी, जिस प्रक्रिया में ये कहा गया था कि जो अधिवेशन हो रहा है, अधिवेशन में कई सारे रेजोल्यूशन आने थे और यही अधिवेशन में जिस तरीके से चयनित AICC के मेंबर्स को किया गया, PCC के मेंबर्स को किया गया, उसमें ये तय किया गया था कि 23 में से 12 ऐसे लोग होंगे जिनका चुनाव होगा। और आपको खास तौर पर बता दें कि चुनाव में खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग वो थे जो चुनाव से सीडब्ल्यूसी में आना चाहते थे, और 11 ऐसे मेंबर्स थे जिनको मनोनीत किए जाने की बात थी। और आपको बता दें कि राजस्थान के लिहाज से अगर खास तौर से बात करें तो एंड टाइम पे बहुत ज्यादा रकस हुआ, एंड टाइम पे हुआ। PCC के जो 175 लोग, 174 लोगों को फोन करके कहा गया और उसमें भी काफी नाराजगी हुई, खींचतानी हुई। अब ऐसे में ये बात निकल कर आ रही है कि फिलहाल इस अधिवेशन में, जो अधिवेशन का वन ऑफ द मुख्य एजेंडा था सीडब्ल्यूसी का चुनाव, वो होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस में जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव भी रखे जाने की बात है, जैसे पूर्व अध्यक्ष, पूर्व PM और सीडब्ल्यूसी के स्थायी सदस्यों को लेकर, डिजिटल सदस्य अभियान को लेकर, संगठन संघ में 50% महिलाओं को लेकर, यूथ, SC ST और SC OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी ये सारे संशोधन होने की बात सामने आ रही है। और इसके अलावा कांग्रेस 50 से कम उम्र के 50% चेहरे सत्ता संगठन में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी को सुझाव, स्टीयरिंग कमेटी जो आज सुबह हुई है उसमें भी दिया गया है। तो इस अधिवेशन में जो 86th प्लेनरी सेशन है उसमें कांग्रेस के खुद के एक संविधान में भी काफी बदलाव होने हैं, और ये माना जा रहा था कि पूरे पारदर्शी तरीके से 12 सदस्यों का चुनाव होना है सीडब्ल्यूसी में। उसमें से राजस्थान को लेकर भी बार बार चर्चा थी कि कौन वो चेहरा होगा जो राजस्थान से आएगा, वो एक या दो चेहरे होंगे, कई मनोनीत होते हैं और कई इलेक्टेड होते हैं। ऐसे में अभी ये खबर आ रही है कि चुनाव नहीं होगा, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल अदिति, यानी कि हम ये मानकर चलें कि आने वाले दिनों में जो संगठन में बदलाव की बात कही जा रही है, एक तो हर वर्ग को उसमें रखा जाएगा, दूसरा ये कि यूथ को तवज्जो दी जाएगी। देखिए उदयपुर में जो सेशन हुए थे, उदयपुर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें सबसे पहले ये बात आई थी कि 50% युवाओं को आगे किया जाए, जिससे जो एक थकी हुई कांग्रेस नजर आती है, जो एक जो सड़कों पर कांग्रेस जूझती हुई नजर नहीं आती है, तमाम ऐसे सवाल थे। हालांकि उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो कि सोनिया गांधी से ज्यादा उम्र के थे। और अभी कांग्रेस के लिए जरूरी है कि कांग्रेस एक्सपीरियंस और युवाओं को, एनर्जी को साथ लेकर चले, लेकिन फिलहाल इस बार के अधिवेशन में माना जाएगा कि चाहे महिला हो, पिछड़ा वर्ग हो, और खास तौर पे पिछड़ा वर्ग को राहुल गांधी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो पिछड़ा वर्ग हो, महिलाओं हो और युवाओं हो, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि युवाओं को, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी जोड़ना चाहती है, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में खास तौर पे युवा चेहरे जो है वो पार्टी छोड़कर गए हैं, और केवल इस वजह से गए हैं क्योंकि गांधी परिवार से उनको कोई भी फीडबैक। ठीक है, अदिति, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।